हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? वेलकम टू अमृतास किचन। तो सुबह हो गई है और हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाला पोहा। ये बहुत ही हेल्दी होता है, ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल सही है, तो चलिए बनाते हैं। तो पोहा बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप पोहा, जिसे मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया था और भिगो दिया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद मैंने लिया है 1 बड़ा टमाटर बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, 1 बड़ी आलू कटी हुई, उसके बाद अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, और उसके बाद मैंने ली है 1 बड़ी प्याज कटी हुई बड़े टुकड़ों में, नींबू का रस, तड़के के लिए राई, जीरा, और मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। आप चाहे तो हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कढ़ाई रख देते हैं। इसमें मैंने तेल डाल दिया है, मैं इसमें डाल रही हूँ राई, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जीरा और हमें इसे अच्छे से तड़कने देना है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज बड़े टुकड़ों में कटी हुई, हमें चलाते रहना है, इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन होते तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत निखर के आएगा। अब इसके अंदर पेस्ट डाल देते हैं, अदरक लहसुन और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था ये भी डाल देते हैं, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी मूंगफली के दाने, ये ऑप्शनल है पर आप डालें तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्रिस्पी लगते हैं पोहे में, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मीठा नीम के पत्ते, अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो आप हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा। उसके बाद आलू, अब हमें इसे फ्राई करते हुए पकाना है, आलू अच्छे से पक जाने चाहिए अभी फ्राई करते हुए, तो जब थोड़े आलू पक जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे टमाटर कटी हुई, इसे भी फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सब अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें मसाले डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारा पोहा जो कि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है पोहे को। इसमें डाल देंगे नींबू का रस, इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहे तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो हमारा पोहा रेडी है, चलिए सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, झटपट हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेरे चैनल पे आने के लिए और मेरी रेसिपी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।